अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करवाई थी, लेकिन उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो है वो आप लोगों ने स्टार्ट करने से पहले जो है किस चीज़ों का ख्याल रखना है और किस बंदे को कौन सी नीच में जाना चाहिए। मतलब कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, होलसेलर हैं, तो आपके लिए क्या है, और अगर आप रीसेल करते हैं और आप अगर मैन्युफैक्चर या होलसेलर नहीं है तो फिर आपको क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। वो बड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है हंटिंग स्टार्ट करने से पहले, और उसके क्वेश्चन वीडियो जाकर देख लें, ऊपर आई बना हुआ आ रहा होगा, आप चेक कर लीजिएगा, तो वो वीडियो जाकर देख लें, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। अच्छा, मेरे स्क्रीन पर आप देख लेंगे प्रोडक्ट हंटिंग के 6 से 7 मैटर मैंने लिखे हैं, तो इनके जरिए आप प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग करने के मेथड भी काफ़ी हैं और टूल्स भी होते हैं, ठीक है। इसमें 2 टूल्स हैं, एक्सटेंशन है, वो मैं आप लोग बताऊंगा, वो पेड हैं, ठीक है, फ्री में तरह उसमें फ़ायदा होता नहीं है, लेकिन मुझे आज तक जो है वो टूल्स की ज़रूरत ही पड़ी। उसकी वजह यही है कि मैं जिस नीच पे काम कर रहा हूँ उसमें मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है, ठीक है, और मुझे हंटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो भी नया आइटम आता है मुझे पता होता है वो कहाँ से कितने का मिलेगा, तो इस वजह से मैं अवॉइड करता हूँ, ठीक है। तो मैं भी इसमें जो है वो आपको यूज़ करके नहीं दिखा पाऊँगा, ठीक है, पेड टूल्स है, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो अगर आप लोग करना चाहें तो आप लोगों को मशवरा है कि मैं आप लोग को दूँ कि आप लोग करें, कि ज़्यादा फीस नहीं है, 700-800 रुपये है, तो आप करें तो कस्टमर टाइम से बच लगे, लेकिन आपको मैं दिखा दूँगा किस चीज़ एक्सटेंशन काम करती है। प्रोसीजर वही होगा, उसका नंबर से जो आउटपुट डाटा आएगा वो खाली होगा, तो वो आप वेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्सटेंशन के जरिए आपको काफ़ी टाइम बच जाएगा, ठीक है। पहले होता था मैनुअल वेटर, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं है। क्राइटेरिया क्या क्राइटेरिया है हंटिंग का, तो इतना खास नहीं है, लेकिन मैं डिस्कस कर दूंगा। जो एक क्राइटेरिया था वो मैंने आपको बता दिया कि कौन से प्रोडक्ट हमें काम नहीं करना था, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ। आखिरी मैंने आपको बताया था फ्रेजल आइटम, लिक्विड आइटम, इस टाइप के जो चीज़ें होती हैं इसमें हम काम नहीं करते थे। हंटिंग में जो है वो ये भी इसमें हंटिंग का भी एक पार्ट है कि लिक्विड आइटम ना हो, ठीक है, कांच का आइटम ना हो, फ्रेजल आइटम्स ना हो, तो ये भी हंटिंग में ही आता है, ठीक है। तो हंटिंग में मैंने जो आप लोगों को बेसिक चीज़ बता दी वो मैंने आपको आखिरी वीडियो में बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेन की, वो आप जाके देख लें, ठीक है। तो अब चलते हैं इसमें से हंटिंग से पहले मेथड है वो है फ्लैश सेल, ठीक है। तो सबसे पहले हम फ्लैश सेल से हम लोग हंटिंग स्टार्ट करेंगे। इससे क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि अभी मैं नया हूँ, मुझे आइटम्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं क्या होती है, तो ठीक है। तो फ्लैश सेल्स आपके लिए सबसे अच्छी है, क्योंकि फ्लैश सेल में जाकर आपको सारे आइटम मिल जाएंगे। जब ऐसा ऐसा आपको सारे आइटम आपके दाम में बैठना स्टार्ट हो गया, फिर आप ऐसा ऐसा जाकर सर्चेस करना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं फ्लैश सेल में, ठीक है। आप दराज़ और पीके पे आएंगे, टाइप कर लेंगे, एंटर कर लेंगे, आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा हुआ आ रहा है फ्लैश सेल, ठीक है। अब फ्लैश सेल में देखिए यहाँ लिखी हुई 3 घंटे 39 मिनट और 40 सेकंड रह गए हैं, आप इसमें जाके सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब फ्लैश सेल में वो आइटम होते हैं जो कि बहुत सेल होते हैं, दराज खुद रिकमेंडेड करता है कि ये प्रोडक्ट जो है फ्लैश सेल में डाली जाए, ठीक है, जिस पर ज़्यादा ऑर्डर आते हैं। तो यही वजह है, ये वो आइटम होते हैं जो कि बहुत सेल्स हो रही होती हैं। तो दराज क्या करता है कि दराज सेलर को एक कैंपेन में यानी इसको ऑप्शन देता है कि आप फ्लैश सेल ज्वाइन करें और फ्लैश सेल में अपनी प्रोडक्ट्स डालें। तो सेलर के पास ऑप्शन आता है कि उसके पास 10 प्रोडक्ट है, वो कौन सी अपनी फ्लैश सेल में डालना चाहता है, ठीक है। अगर फर्स्ट कर अगर मैं 50 प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, उसमें से 10 जो है वो काफ़ी अच्छी सेल होती है, तो दराज की मर्जी उस सेलर को उस 10 आइटम का ऑप्शन दे या 10 में से 3 का ऑप्शन दे कि आप इस जो है वो फ्लैश सेल को ज्वाइन कर लें। अब सेलर की मर्ज़ी है वो 3 चूज़ करे या 2 चूज़ करे 1 चूज़ करे, ठीक है। तो फ्लैश सेल में जो है अमूमन जिसके पास ऑप्शन आता है वो अवेल करते हो कि फ्लैश सेल में आपके पास फ्रंट पर शो हो रहा है, ठीक है, और जो फ्रंट पर जो सेल होगी तो क्यों नहीं आएंगे ऑर्डर, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट अगर 1049 की है ना फ्लैश सेल में, तो आप सर्च करेंगे ना तो आपको 700-800 की मिलेगी दराज पर, ठीक है। लेकिन क्या फ्लैश सेल पर लोगों को इतना आइडिया नहीं होता, फ्लैश सेल पर आते परचेस कर लेता, तो ये फ़ायदा होता है फ्लैश सेल का, ठीक है। अब फ्लैश सेल मिलता है इसका जिनका ज़्यादा ऑर्डर होता है, क्या होते हैं कितने होते हैं, तो आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुद ही आइडिया, ठीक है। तो ये वजह होती है जो पहले हम जो फ्लैश सेल पर आते हैं, ठीक है। अब देखें आप फ्लैश सेल पर सारे आइटम आ रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको आखिरी वीडियो में बता दिया था कि को किस नीच में काम करना है, वो आपके ऊपर, अब आप देख लें आपका क्या इंटरेस्ट है, आपने देखना है, ठीक है। अगर आपको नीच सेकंड में मसला आ रहा है तो आप पहले आइटम देखें क्या है, क्या क्या अपने समझ में आ रहा है, फिर आप देखें। अच्छा, आपको अगर किस नीच में काम करना है उस पहले देखें इंटरेस्ट क्या है। आप पहले यहाँ हंटिंग कर रहे हैं, हंटिंग में आकर देखें आइटम देखें कौन समझ में आ रहे हैं, वो सर्च करें, सर्च करने के बाद आपको एक समझ में आ जाएगा, हाँ यार ये मेरे इंटरेस्ट इसमें आ रहा है, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको पहले से ही गारमेंट्स में इंटरेस्ट है तो फिर आप हंटिंग करें, ढूंढेंगे कि गारमेंट्स में वगैरह में कुछ है, वैरायटी वगैरह है, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी सिंपल से बेसिक मेथड ये है कि आप इसमें सर्च करें फैसल में क्या आइटम है, जब एक बेसिक चीज़ समझ में आ जाएगी आपको, फिर आप नेक्स्ट स्टेप पर जाएगा, ठीक है। तो फ्लैश सेल पर देखते हैं, देखें अभी आइटम मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इसको ओपन कर लेता हूँ नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है, कंट्रोल प्रेस करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। और देखिए लिखा है सोल्ड आउट, ये ख़त्म हो चुका है आइटम, तो इसको भी ओपन कर लेते हैं, गारमेंट्स का एक आइटम है, ठीक है। अब ये गर्ल्स के लिपस्टिक है, इसको खोल लेते हैं। अच्छा, ये कैप है, इसको खोल लेते हैं एक। अच्छा, ज़्यादा आइटम नहीं खोलूँगा वरना ये हैंग हो जाएगा। अच्छा, लोड मोड कर लेते हैं और यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं वॉचेस का, एक वॉचेस खोल लेते हैं,
ठीक है। उसके अलावा किचन गैजेट्स का आइटम दिखा देता हूँ एक आपको, यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं, ये सारे फ्लैशलाइट आइटम है ठीक है। ठीक है, ये काफ़ी सेल होता है आइटम, ये खोल देते हैं ठीक है। और अत्यार्थन ये खोल देते हैं ठीक है। अब देखिए पहला आइटम है ये न्यू एयर 3.1 वायरलेस ब्लूटूथ हेडसेट एयरपोर्ट, काफ़ी मैंने भी सेल किया है और ये काफ़ी आइटम सेल होता है ठीक है। अब आपने ये खोल दिया, अब आप इसको देखते हैं, 4 रेटिंग है ठीक है। अब ये रेटिंग जो है इस पर आपको नहीं जाना, कि फ्लैश सेल में मैंने आपको बताया इसकी ज़्यादा सेल होती है तो वो भी फ्लैश सेल में आ रहा होता है ठीक है। ऊपर से दराज पे अपनी मर्जी भी होती है, वो किसी को भी वो फ्लैश सेल धीरे धीरे अमूमन इसका ज़्यादा ऑर्डर आ रहा होता है। अब ये इसके 4 रेटिंग है क्यों आ रहा है तो ये एक सवाल है, लेकिन ये फ्लैश आपके सामने फ्लैश सेल में आ रहा है ठीक है। ये देखें इसने रिव्यू लिया है ठीक है। अब हमने करना है कि हमने देख लिया, हमें एक आइडिया हो गया यार कि ये प्रोडक्ट फ्लैश सेल में आ रहा है तो इसका मतलब इस प्रोडक्ट की डिमांड ज़रूर है ठीक है। अब वो क्या है कैसे वो हम अभी देखेंगे, क्या है ये प्रोडक्ट हमने देख लिया ठीक है। अब फर्स्ट कर रहे हैं बिल्कुल नया हो तो मेरा इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, हाँ यार ये एयरबड है इसमें अगर फ्लैश सेल में आ रहा है मतलब ये लोग परचेज़ कर रहे हैं तभी दराज फ्लैश सेल में डाल रहा है, मुझे एक आइडिया हो गया इस आइटम में। ये क्या है इलेक्ट्रॉनिक आइटम में ये आ सकता है, लेकिन कंप्यूटर एसेसरीज में आएगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में नहीं आएगा, लेकिन इसके सब ब्रांच कर इसको ठीक है। अब मैं आ गया यहाँ पे, एक्सरसाइजेस बहुत हैं अच्छा, ये होती हैं वेरिएशंस, ये मैंने एक्सपेंशन की हुई है इसको शो कर रहा है। ये देखें ये रेड ग्रीन, ये वेरिएशंस हम अक्सर अवॉइड करते हैं ठीक है। कि कस्टमर ने फर्स्ट करिए ऑर्डर किया बोल रहा है मेरी मेरा तो दिल चाह रहा है मुझे ये चाहिए ठीक है, तो ये बड़े मसला आते हैं, इस वजह से बोलते हैं वेरिएशंस आप अवॉइड करें ठीक है। ये देखें आप इसमें 56 रेटिंग है, ऐसी बात इतनी है इसमें रेटिंग ज़्यादा मैंने कहा ज़्यादा अच्छी रेटिंग है, लेकिन फिर भी इसके रिसेंटली पास में ऑर्डर ज़्यादा होंगे तो थोड़ा सा उसको फैसले में दिया है। देखें आपको एक आइडिया आ गया क्या है, जिगजैग मैन स्मार्ट प्रिंटेड समर शॉर्ट ट्रैक फॉर मैन एंड बॉय टी शर्ट ठीक है। अभी शॉर्ट ट्रैक है आप देख सकते हैं ये ठीक है, सिंपल कुछ नहीं है, ये इसने कस्टमाइज करवाया है, प्रिंटिंग करवाई इसके ऊपर, बस डिज़ाइन का कमाल कुछ नहीं, मटेरियल किया ठीक है। अब आपको आइडिया होगा हाँ यार ये बंदा भी सेल कर रहा है, इसके रिव्यू कितने अच्छे हैं आपने देख लिए, 11 बैड रिव्यू 30 रिव्यू, ये भी हम चेक करेंगे ठीक है। तो ये आपको आइडिया अच्छा हाँ चलो ये गारमेंट्स में ये आपको देखें आप ये समझ में आ रहा है, देखें नीचे आके देखेंगे प्रोडक्ट को व्यू दिस, ये भी दिए हुए ये भी दिए हुए, तो इनको भी आप जाके खोल सकते हैं ठीक है। व्यू मोर करें देखें देखें ये देखें ये इसमें लिस्टिंग की हुई है, अभी काफ़ी अच्छी लिस्टिंग की हुई है इसमें ठीक है। एक आपको एक मुझे गारमेंट्स का आइटम का हो गया, एक मुझे ये ठीक है एयरपॉड्स का हो गया, अब ये एक फीमेल्स का टाइम देख लेते हैं ठीक है। कॉस्मेटिक में आया ठीक है, मैंने देखा यार इसमें क्या है, इसमें जो है 27 रिव्यू ठीक है, लोगों ने अच्छे रिव्यू दिए हुए हैं ठीक है, ख़राब बहुत कम लोगों ने दिए हुए हैं, मुझे एक आइडिया हो गया हाँ ठीक है ये देख प्रोडक्ट है ठीक है। थोड़ा बहुत आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं बेसिक से ठीक है, आपने आइडिया लिया आप यहाँ पे आए ठीक है, क्या भाई कैप है ठीक है, मैन मैश बेसबॉल कैप बेसबॉल बैक है, ऐसे ये जाली टाइप का है, इसमें से जो पसीना आता है वो खुश हो जाए ठीक है, काफ़ी अच्छा कैप है ठीक है, ऐसा कैप नहीं हुआ है मार्केट में उन्होंने ठीक है। तो ये एक यूनिक प्रोडक्ट है, तो आप इसके देखें स्पेसिफिकेशन आप नोट कर रहे हैं, आप चाहे जो एक्सेल शीट बना के भी स्पेसिफिकेशन नोट कर सकते हैं, फिर आप जगह मार्केट में हंटिंग करने जाए तो बोला मुझे ये वाला कैप चाहिए, तो ये एक हंटिंग, तो इस तरह से आप दिमाग इस्तेमाल करें। देखें 1000 रुपये का कैप दे रहे हैं ये, आप देखें और लोग ले भी रहे हैं 43 रेटिंग है। अमूमन रिव्यू का हिसाब इस तरह से लगाया जाता है कि अगर 43 रिव्यू है ना तो यूँ समझ लें कि 10 ऑर्डर पर 1 रिव्यू मिला है, ये होता है एवरेज ठीक है। तो ये हमें देख लिया, इसका रिव्यू चेक कर लेंगे, वही आप देख लें सामने आइटम आ गया, हमें आइडिया हो गया ठीक है। वॉचेस देख लेते हैं आप, इसके 2219 रेटिंग है, 2219 रिव्यू है, तो ये कितना पुराना सेलर होगा, ये होल सेलर है, 549 की वॉच सेल कर रहा है, इस ज़माने में 549 की कोई ऐसी वॉच मिल जाए तो देखें, ई बाज़ार कराची ये कोई आप होल सेलर ही है ठीक है। तो देखें ये इसके रिव्यू देखें, 1531 पॉजिटिव रिव्यू है, 231 नेगेटिव रिव्यू है, तो ये आपको आइडिया हो गया कि वॉचेस आप सेल करना चाहिए, लेकिन वॉचेस में जो है कंपटीशन बहुत है, तो ये बता रहे हैं तो आप इसमें नहीं आना, कंपटीशन भी चेक करना, वो भी हम सेकंड स्टेप पे आएंगे। ये टैबलेट जो है वो बहुत सेल होता है ठीक है। अब ये पैटिन टैबलेट है ठीक है, तो इसका रिव्यू देखें कितने ठीक है, ये टैबलेट भी सेल होता है, इसमें एक आइडिया हो गया मैं ठीक है, हमने देख लिया टैबलेट वगैरह में क्या रिव्यू आ रहे हैं ठीक है। ये हो गया एक आइडिया हो गया कि बच्चों का टैबलेट है, इसमें बच्चों का आइटम भी आ गया ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, इसमें एक है स्टूडेंट डी मार्क्स है, मार्क्स है ये मार्क्स है ठीक है। इसके अंदर ये भी आइटम आप सेल कर सकते हैं, हेलन ब्यूटी में आती है, लेकिन ये लिखा हुआ है हेलन ब्यूटी ठीक है, तो इसने जैकेट दिया होगा, प्रूफ करवाया होगा इसका, तो काफ़ी हाँ ये भी ट्रेंडिंग काफ़ी आइटम, ये बहुत सेल हुआ दराज पे ठीक है। तो ये आइटम हमें देख लिया, हमें ओवरव्यू आइडिया हो गया हमें ठीक है, तो हमने ये ओवरऑल देख लिया है, फ्रेश सेल में आइटम आते हैं इस हिसाब से देख लेना। अच्छा अपने करना क्या है, अब ये आपने कीवर्ड्स लेना है अलग टाइप में, उसको ओपन करेंगे, अलग टाइप ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे जाके जो है उसको पुट कर देते हैं ठीक है।
अब देखें सर्चेज कितनी आ रही हैं इस कीवर्ड पे 3474 आ रही हैं, ठीक है। तो न्यू हटा देते हैं हम सिंपल वे लोग AR31 वायरलेस, ठीक है। देते हैं AirPods, ठीक है। अब देखें इस कीवर्ड पे जो है वो लिस्टिंग देखें कितनी आ रही है, सर्चेज देखें 1032 आ रही है। अगर तो 3000 सर्चेस कम है ना तो आप प्रोडक्ट पर जा सकते हैं, लेकिन अगर 3000 से ज़्यादा हैं तो फिर जो आप उसको अवॉइड करें। देखें इसमें सर्चेस कम आ रही हैं और देखें 210 सोल्ड, 673 सोल्ड, 1K सोल्ड, तो इसका आइडिया हो रहा है। देखें ऊपर की अच्छा एक पेज पर जो है वो 40 लिस्टिंग होती हैं, ठीक है, 40 होती हैं 40, तो आप इससे भी आइडिया कर सकते हैं। लेकिन हर प्रोडक्ट पर रिव्यू आ रहा है, इसका मतलब कि ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा एक और तरीका ये होता है कि 1032 सर्चेस तो आ रही हैं, आप फ्री डिलीवरी का फिर अप्लाई कर दें, अप्लाई कर देंगे 204 हो गई, इसका मतलब ये अगर आप ये आइटम अपलोड करें और फ्री डिलीवरी का फिल्टर लगा दें तो आपको चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है कि देखें लोगों ने ये देखें इसका 2K सोल्ड हुआ, इसने किया कि आइटम का प्राइस बढ़ाया, फ्री डिलीवरी लगा दिया, अपलोड कर दिया। कस्टमर जो 70 से 80% आते हैं वो फ्री डिलीवरी का फिल्टर लगाते हैं, तो ये देखें इस तरीके से इस मतलब इस आइटम पर आप जा सकते हैं। तो ये एक फ्लैश सेल का सिंपल सा क्राइटेरिया, अगर इसकी सर्चेस ज़्यादा होती तो हम अवॉइड करते हैं, मैं आपको बताया कितनी सर्चेस थी, ठीक है। आप देखें इस तरीके से ये इस पे आ जाए, मैंने आपको बताया था गारमेंट्स का, उसका तो एग्जैक्ट मैन स्माइल प्रिंटेड समर शॉर्ट ट्रैक, ये कीवर्ड ही बड़ा है तो इस पर तो सर्चेस कम होंगी, लेकिन उसको शॉर्ट करेंगे इस पर सर्चेस कम आएंगी, ठीक है। आप इसको मिल रहे हैं स्माइल प्रिंटेड समर शॉर्ट ट्रैक, ठीक है। देखें मैंने इतना बड़ा कीवर्ड लिखा है तो 3621 लिस्टिंग आ रही है, लेकिन इतना बड़ा कोई करता नहीं है, ठीक है। अब समर शॉर्ट ट्रैक ये लोग सर्च करते हैं, ठीक है। अब 1937 अगर इस कीवर्ड पे अगर आपकी इतनी लिस्टिंग आ रही है तो देखें कीवर्ड्स भी एक अलग टॉपिक है, लेकिन कीवर्ड्स आप इसको नोट कर लें अपने, क्योंकि अगर आप गारमेंट्स की कैटेगरी में जाना चाह रहे हैं तो इस कीवर्ड्स का ज़रूर लिस्टिंग करें। और बाद में देखें अभी मैं लगाया PW ऑनली के तो ये सर्चेस आ रही हैं, तो अगर मैं ये लगा दूँगा देखें कितनी होगी, तो ये लगा के आप सेल करेंगे तो देखें कितना फ़ायदा है। लेकिन देखें एक चीज़ नोट करें कि इसके बावजूद इस कीवर्ड पर इतने ऑर्डर नहीं है, तो आपने ये चीज़ भी देखनी है, जिसका मतलब अगर आप लिस्टिंग करते हैं तो आपके पास इतने ऑर्डर नहीं आएंगे, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि गारमेंट्स के नीचे इसमें कंपटीशन ज़्यादा होता है, तो ये होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने इस पर भी करना है, इस पर भी कर लेना है, ठीक है, मैंने आपको एक करके बता दिया है, इससे भी वॉचेस से भी कर लेना है, इस पर भी कर लेना है और इस पर भी कर लेना है, ठीक है। बेसिक तक कैटेगरी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब अच्छा इसमें एक और चीज़ होती है कि इसमें जो है आप यहाँ पर आके जो है वो 5-star का भी फिल्टर लगा सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी 12 लिस्टिंग हो गई हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इसको अपलोड करने के बाद अगर इस पर आप फ़िल्टर लगा दें, इस पर एक रिव्यू ले लें, तो इसमें क्या होगा, इसमें कस्टमर आते हैं फीडबैक का फ़िल्टर लगाया और उसके बाद इसने जो है वो यहाँ पे कर दिया 5-star रिव्यू, ठीक है, तो आपकी प्रोडक्ट शो होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि फ्री डिलीवरी लगा दिया दूसरा ही है, तो ये भी एक ट्रिक है। तो आप आइटम अपलोड करें, फ्री शिपिंग ऑन कर दें और एक रिव्यू ले लें, तो इससे भी जो है वो आपकी प्रोडक्ट जो सर्चेस में आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो फ्लैश सेल में बेसिकली सिंपल सा क्राइटेरिया ये होता है कि मैंने आपको बताया कि सिंपल से ही इंप्लीमेंट करें, पहले जाके हंट करें, सर्चेस करें, तो आपका दिमाग खुलेगा, फिर आपको समझ में आएगा कि कौन सी मुझे नीच सेलेक्ट करना चाहिए, क्या आइटम सेल हो रहे हैं। तो ये तो पहला स्टेप है, ठीक है। अभी मैंने आपको थोड़ी सी चीज़ें बताई हैं, तो मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो इतना काफ़ी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि फ्लैश सेल में आप किस तरीके से प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अभी बेसिक है, इसकी टैप में हम भी और जाएंगे, लेकिन वीडियो लंबी हो रही है, उसके बाद हम और भी चीज़ें हमें करनी है, जब पूरी हम कर लेंगे फिर इन दी एंड कंक्लूजन पे आएंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें पूरी इंप्लीमेंट करनी है, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है। अभी तो मैंने सिंपल सा क्राइटेरिया आपको बताया है कि 3000 जो सर्चेस आ रही हैं उसमें उससे कम आनी चाहिए, लेकिन 3000 सर्चेस से अगर ज़्यादा आ रही हैं तो उस पर आप फ्री डिलीवरी का फ़िल्टर लगा के देखें। अगर फ्री डिलीवरी फ़िल्टर लगाने के बाद 3000 से कम हो जाती हैं तो तब भी आप उस पर जा सकते हैं, और उसके बाद फिर आप रिव्यू भी ला के चेक करें कि इस रिव्यू पर काफ़ी, मतलब अगर रिव्यू पर लगाने के बाद ज़्यादा लिस्टिंग आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि उस प्रोडक्ट में डिमांड है, ठीक है, उस पर जा सकते हैं। लेकिन अगर रिव्यू फ़िल्टर लगाने के बाद जो है इतने रिव्यू नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये कि उस प्रोडक्ट पर जो है इतना डिमांड नहीं, जैसे कि हमने गारमेंट चेक किया था कि उस पर इतने लोगों ने नहीं दिया हुआ था, इसका मतलब ये कि उस कैटेगरी में जो वो सेल कर रहा था शॉर्ट, तो उसमें इतने ऑर्डर नहीं थे, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत आइडिया आ गया है, लेकिन अगर आप फिर से कीवर्ड्स को आगे पीछे करेंगे, सर्च करेंगे, क्या पता उसी में जो शॉर्ट्स ट्रैक सूट जो भी है वो सेल कर रहा था, क्या पता उसमें किस और लिस्टिंग में ज़्यादा रिव्यू हो, तो काफ़ी चीज़ें आपको नोट करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो से इतना ही, फ्लैश सेल तक इसको रखते हैं, अगली वीडियो में देखेंगे कैटेगरी से किस तरीके से आपने हंटिंग करनी है, तो उसमें और कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।